हाँ, सरकार ने देर से ही सही अंकिता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी। ये कोई खैरात नहीं, ये हक था। लेकिन जो एक जरूरी सवाल जो आपने उठाया, ये जरूर है कि सरकार ने पीड़ितों में भी विभेद कर दिया है। जगदीश की हत्या भी उसी तरह का विभत्स कांड था। संविधान के अनुसार दो बच्चे, तो नवयुवक जो एडल्ट है, नवयुवक और नवयुवती अपना जीवन साथी चुन सकते थे। एक जगदीश की हत्या होगी, वो भी गरीब परिवार है, और जो विधवा बच्ची है, अब उसके सामने पहाड़ सा लंबा जीवन है। क्या जगदीश के हत्यारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने आज तक उस अपराध को संज्ञान में नहीं लिया है, निंदा नहीं की है, ना एक पैसे की आर्थिक सहायता नहीं दी है। तो जैसा दिल अंकिता पर दिखाया गया था आर्थिक सहायता, वैसे ही जगदीश के परिवार पर और गीता पर भी दिखाया जाना चाहिए था। उसी तरह से 16 साल की उत्तरकाशी की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इसी मामले में अभी 3-4 सितंबर की बात है। राज्य की तो सरकार को मालूम नहीं है कि हमारी एक और बेटी जो दूरस्थ की थी, जिसके लिए कोई सड़कों में नहीं उठा आया, ना कैंडल लाइट गई। मैं खुद वहाँ से उस गांव तक गया, मुझे भी लग रहा था क्या कुछ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, नहीं हुआ। रिपोर्ट ने, मेडिकल रिपोर्ट ने कहा दुष्कर्म। क्या उस बच्ची के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? उस परिवार के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ अपराधियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए? तो ये राज्य की सरकार समाज में भी जो ये दोहरा आचरण ला रही है, विभेद को और चौड़ा करने की कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। अंकिता के उसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन जगदीश और डूडा तहसील की उस बेटी और उस परिवार के को सरकार ने क्यों छोड़ दिया, उसको के उसके सुध क्यों नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ।